मेरा अगला दोहा जो है, मैं जनसंख्या से संबंधित एक दोहे की रचना करी है, वो मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो इस प्रकार है, जनसंख्या इस देश की हुई 125 करोड़, आबादी बढ़ती गई आ रहे विकट मोड़। वाणी कविराज कहते हैं, देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती रही, कई बरस बीत गए, कुछ नियंत्रण करने के प्रयास भी हुए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बहुत बढ़िया अच्छी सी सफलता नहीं मिल पाई। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। जैसे जनसंख्या बढ़ती, जैसे आबादी बढ़ती, हर व्यक्ति को हर प्रकार की सुविधा चाहिए। हर व्यक्ति उतना पुरुषार्थ नहीं करता, काम नहीं करता, घर पर बैठा रहेगा, लेकिन उसको सुविधा सब चाहिए। हमारी मानसिकता ऐसी बन गई कि हम कहीं संतुष्टि का अनुभव करते ही नहीं हैं। सामने वाले के 4 4-व्हीलर हैं तो अपने भी 4-व्हीलर आना चाहिए। 2-व्हीलर ही पूरा काम में नहीं आ रहा है, 2-व्हीलर है वो भी काम में नहीं आ रहा, लेकिन इधर वाले पड़ोसी ले आए, इधर वाले पड़ोसी भी ले आए, और वो बीच में जो है वो 2-व्हीलर वाला पड़ोसी है, वो आत्मग्लानी से भर जाता है, पश्चाताप करता है, बहुत क्रोध आता है, वापस विचार करता है, लेकिन उसके मन में ये बात आ कि मेरे भी 4-व्हीलर चाहिए। तो हम ईर्ष्या भाव से भी बहुत कष्ट पाते हैं। प्रतिस्पर्धा, जो दिखावटी प्रतिस्पर्धा है, जो कोई वास्तविक या कुछ उचित प्रतिस्पर्धा नहीं है, भौतिकवाद की अनुचित प्रतिस्पर्धा में हम लोग सब दौड़ रहे हैं, और उसी में हर व्यक्ति को सब कुछ सुविधा चाहिए। जब आबादी बढ़ती जाएगी तो कहाँ जगह रहेगी, तो सीमित है, इस देश का क्षेत्रफल थोड़ी ना बढ़ जाएगा। हाँ, जो गांव के अंदर जितनी कैपेसिटी है, घरों के अंदर जितनी कैपेसिटी है उतनी रहेगी, फिर मल्टी स्टोरी मकान बनने शुरू हो जाएंगे, जो कुछ जंगल है वो कट करके कॉलोनियाँ बननी शुरू हो जाएगी, आखिर हम असंतुलन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वाणी कविराज निवेदन करते हैं कि अब हमारे सामने बड़ी बड़ी विकट समस्याएं सामने आने लग गई है, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें एक बड़ा व्यापक अभियान चलाना होगा, लोगों को समझाना होगा, मन से समझाना होगा, बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करके, प्रशिक्षण कार्यशालाएं ऐसे आयोजित करके उनको, उन लोगों को समझाना पड़ेगा। आखिर जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी तो हम किस प्रकार के कष्ट पाएंगे, कितनी प्रकार की तकलीफें हमारे पास आएगी। ठीक है, तो इसके साथ हम नए चिंतन को, आधुनिक विचारधारा को आत्मसात करें। अगर आबादी कम होगी तो हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग दिला पाएंगे, अच्छा उसको धंधा करवा देंगे, धंधा चलवा देंगे, कुछ न कुछ हम उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आबादी अगर बढ़ गई, 7-8 बच्चे हो गए, तो फिर हम किस किस के लिए क्या क्या करेंगे, और एक व्यक्ति विशेष की भी अपनी क्षमताएँ होती है, उससे ज़्यादा वो क्या करता है। तो कुल मिलाकर अंत में पुनः कहना चाहूँगा, हमें जनसंख्या नियंत्रण करनी होगी, और दृढ़ सूत्र मानसिकता के साथ कठोर नियमों की पालना करते हुए, अब आत्मसंयम के साथ पूरे राष्ट्रवासियों को इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए, और श्रेष्ठतम निर्णय देश हित में जो निर्णय हो वो लेने होंगे। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।